नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयंक शेखर, आप सभी का दोस्त और आप सभी दोस्तों का तहे दिल से आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पर स्वागत करता हूं, जिसमें हम पर डे आप सभी के साथ वोकैबुलरी का पंचनामा ला रहे हैं, जो कि आज हमारा सेकंड क्लास है, जिसमें हम पर डे आप सभी के साथ 5 वोकैबुलरी वर्ड्स का डिस्कशन करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जहाँ पर सारे एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, कोई भी अपडेट्स हो, वो आपको मिलते रहेंगे। आप हमारे टेलीग्राम पर हमारे अंकुर शर्मा सर से भी कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर हमारे विराट दुबे सर से भी कांटेक्ट कर सकते हो, और जो भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी इंक्वायरी हो आप उनसे पूछ सकते हो। तो चलिए पहला वर्ड हम स्टार्ट करते हैं। सो आज जो हमारा पहला वर्ड है, दैट इज़ डिसेप्टिव। आई रिपीट, द फर्स्ट वोकैबुलरी वर्ड ऑफ दिस डे इज़ डिसेप्टिव। इसका हिंदी में अर्थ होता है भ्रामक। भ्रामक कहने का मतलब होता है कोई जो भ्रम में डालता हो, जैसे आप देख रहे हो ये जो इंसान है ये इस इंसान को भ्रम में डाल रहा है, तो ये हो गया डिसेप्टिव नेचर का इंसान। आप इसके सिनोनिम्स को भी लिख सकते हो, पहला हो गया मिसलीडिंग, दूसरा हो गया फॉल्स, तीसरा हो गया डिल्यूसिव, चौथा हो गया एम्बिगुअस, एंड द लास्ट वन इज़ इल्यूसिव। आप इसके एंटोनिम्स को भी लिख सकते हो, द फर्स्ट वन इज़ नॉन डिसेप्टिव, सेकेंड वन इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड, थर्ड वन इज़ फ्रैंक, एंड द लास्ट वन इज़ डायरेक्ट। आइए दोस्तों हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा कि हमने कहा, फेसबुक सूड द फाउंडर ऑफ अ सॉफ्टवेयर कंपनी लीड लॉक फॉर रनिंग डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट्स लिंक्ड टू कोरोना वायरस स्कैम। इसका हिंदी में अर्थ हुआ, कोरोना वायरस घोटाले से जुड़े भ्रामक विज्ञापन चलाने के लिए फेसबुक ने एक सॉफ्टवेयर कंपनी जिसका नाम लीड लॉक है, उसके संस्थापक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया या दायर किया। आई होप दोस्तों ये वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा। हमारा दूसरा जो वर्ड है, दैट इज़ डीम, DEEM, डीम। इसका हिंदी में अर्थ होता है मान लेना। आप इसके सिनोनिम्स को भी लिख सकते हो, द फर्स्ट वन इज़ कंसीडर, सेकेंड वन इज़ थिंक, थर्ड वन इज़ जज, फोर्थ वन इज़ सपोज, अनदर वन इज़ बिलीव, द लास्ट वन इज़ एज्यूम। आप इसके एंटोनिम्स को भी लिख सकते हो, द फर्स्ट वन इज़ डिसबिलीव, अनदर वन इज़ डिसरिगार्ड, फिर एक है फॉरगेट, इग्नोर, द लास्ट वन इज़ मिस इंटरप्रेट। आइए दोस्तों हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा कि हमने कहा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ डीम्ड जूम ऐप एज एन अनसेफ प्लेटफॉर्म। इसका हिंदी में अर्थ हुआ कि गृह मंत्रालय ने जूम ऐप को एक असुरक्षित प्लेटफॉर्म माना है। अब जो हमारा तीसरा वर्ड है, दैट इज रिफॉर्म। रिफॉर्म का हिंदी में अर्थ होता है संशोधन। ओके, रिफॉर्म का हिंदी में अर्थ होता है संशोधन। आप इसके सिनोनिम्स को लिख सकते हो, द फर्स्ट वन इज अमेंडमेंट, सेकेंड वन इज करेक्शन, थर्ड वन इज इम्प्रूवमेंट, एंड द लास्ट वन इज रिक्लेमेशन। आप इसके एंटोनिम्स को भी लिख सकते हो, पहला हो गया डैमेज, सेकेंड हो गया मिस्टेक, अनदर वन इज़ हार्म, एंड द लास्ट वन इज़ ब्लंडर। आइए दोस्तों हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि हमने कहा, पीएम मोदी सेड इन हिज एड्रेस टू द नेशन दैट लॉकडाउन कुड बी रिलैक्स्ड इन सम प्लेसेस आफ्टर जून 1 विथ सेवरल रिफॉर्म्स। इसका कहने का अर्थ हुआ हिंदी में कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि 1 जून के बाद से कुछ स्थानों पर कई संशोधनों के साथ लॉकडाउन में ढील दी जा सकती है। अब दोस्तों ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो हमारा अगला वर्ड है, दैट इज़ डिसेमिनेट। डिसेमिनेट का हिंदी में अर्थ होता है प्रचार करना, यानी एक तरह का एडवर्टीजमेंट करना। आप इसके सिनोनिम्स को भी लिख सकते हो, द फर्स्ट वन इज़ एडवर्टाइज, सेकेंड वन इज सर्कुलेट, थर्ड वन इज़ डिस्पर्स, फोर्थ वन इज़ प्रोपेगेट, एंड द लास्ट वन इज़ पब्लिसाइज। आप इसके एंटोनिम्स को भी लिख सकते हो, द फर्स्ट वन इज़ हाइड, सेकेंड वन इज़ गैदर, थर्ड वन इज़ कलेक्ट, एंड द फोर्थ वन इज़ कौंसिल। सॉरी ये कोसी लिख दिया है, मैं आपको बता देता हूँ, CONCEL, ओके, कौंसिल। ये कोसिल नहीं होता है, कौंसिल होता है। ओके, माफ़ी चाहूँगा इस गलती के लिए। आप इसके एक एग्जाम्पल को भी लिख सकते हो। जैसा कि हमने कहा, पीएम मोदी आस्क्ड ऑल द स्टेट चीफ मिनिस्टर्स टू अर्ज रिलीजियस लीडर्स टू डिसेमिनेट द मैसेज ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग। इसका हिंदी में अर्थ हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से कहा कि वे धार्मिक नेताओं से सोशल डिस्टेंसिंग के संदेश का प्रचार करने का आग्रह करें। आई होप दोस्तों
ये वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा, डिसेमिनेट, जिसका मतलब ही होता है प्रचार करना। अब जो हमारा लास्ट जो वर्ड है आज का, पांचवा वर्ड, दैट इज़ टेम्पलेट। इसका हिंदी में अर्थ होता है आदर्श। ओके, आप इसके सिनोनिम्स को भी लिख सकते हो। द फर्स्ट वन इज एग्जाम्पल, द फर्स्ट वन इज एग्जाम्पल, सेकेंड वन इज प्रिसीडेंट, थर्ड वन इज मॉडल, एंड द लास्ट वन इज एपिटोम। आप इसके एंटोनिम्स को भी लिख सकते हो। द फर्स्ट वन इज एंटी थेसिस, सेकेंड वन इज डिसऑर्डर, एंड द लास्ट वन इज डिसऑर्गेनाइजेशन। आइए दोस्तों हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा कि हमने कहा, COVID-19 कंटेनमेंट मॉडल एडॉप्टेड बाई राजस्थान्स भिलवाड़ा मे बिकम पोटेंशियल टेम्पलेट फॉर बैडली हीट स्टेट्स। इसका हिंदी में अर्थ हुआ कि राजस्थान के भिलवाड़ा द्वारा अपनाया गया COVID-19 रोकथाम मॉडल बुरी तरह से प्रभावित राज्यों के लिए संभावित आदर्श बन सकता है। ओके, तो आई होप दोस्तों ये पांचों वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, जो कमेंट करना है आप करो, एंड प्लीज़ ट्राई टू सपोर्ट आवर चैनल सिलेक्शन मेंटर। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।